अगर हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमारे पेपर में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गुड वोकैबुलरी इज ऑल्सो एसेंशियल, वी नीड टू नो हाउ टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस, ए पैराग्राफ एंड अ होल चैप्टर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या वर्ड काउंट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस जर्नल में हम पेपर पब्लिश करना चाहते हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड काउंट अप टू 150 होना चाहिए, बट हमारे पेपर में हमने 300 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो हम फिर से पैराफ्रेजिंग करते हैं कि बिना मीनिंग को बदले नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाए। और कभी कभी हमें पेपर का टाइटल भी ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो हमारे वर्क को सूट भी करे, साथ ही साथ क्रिएटिव भी हो। सो इन सब टास्क में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, जिससे हमारे पेपर को कंप्लीट होने में भी टाइम लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सबियास प्रोग्रामिंग स्कूल। माय नेम इज सबिया फातिमा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन टाइम टेकन टास्क को सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी फ्रेंड्स एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसका मतलब चैट जीपीटी से अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें एज ए रिजल्ट रिटर्न कर देता है। और वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी फील्ड में हो सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि चैट जीपीटी का यूज करके हम डीप लर्निंग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर टूल है जो कि आप, मैं, हम सब यूज कर सकते हैं। तो जब हमें चैट जीपीटी को यूज करना होगा तो हम सबसे पहले जाएंगे chat.openai.com URL पर और वहां से हमें लॉग इन करना होगा या अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो हमें टाइप करना होगा chat.openai.com और इट विल रिडायरेक्ट टू दिस पेज। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, लॉगिन और साइन अप। अगर आपका कोई भी अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आप साइन अप पर जाओगे और अकाउंट क्रिएट करोगे और अपनी अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करके हम इस पेज पे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने आईडी से ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। और जीपीटी का प्रीमियम वर्जन भी है बट हमें फ्री वर्जन भी सफिशियंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए हमें प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और रिसर्च पेपर राइटिंग में हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी का यूज करें, तो हम चैट जीपीटी का यूज किस तरह से कर सकते हैं? सपोज सैंपल के लिए मैंने ये पेपर लिया हुआ है और अगर हम इस पेपर पे काम कर रहे हैं और हमें इस पेपर को लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज करना है तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि इस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट बहुत लॉन्ग है, हमें इसे कम करना है। इसके वर्ड काउंट है 366 और कुछ जर्नल होते हैं जो मैक्सिमम 250 से 300 वर्ड काउंट मांगते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए और कुछ जर्नल्स में मैक्सिमम 150 वर्ड काउंट होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट के लिए। तो सपोज हमें ये एब्स्ट्रैक्ट को 150 वर्ड काउंट में शॉर्ट करना है तो हम इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी पे जाके हम एक क्वेरी लिखेंगे। हम टाइप करेंगे शॉर्ट टू 150 वर्ड्स और शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे। केवल एंटर प्रेस नहीं करना है, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम एंटर भी कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो इसने प्रोवाइड किया है ये इसका वर्ड काउंट कितना है। ये 150 वर्ड काउंट है, दैट्स प्रेटी गुड। आपने देखा ये 366 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट था जिसे इसने 150 वर्ड्स में
शॉर्ट कर दिया है। इस एब्स्ट्रैक्ट में सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर डेटा सेट क्या है, उसमें कितनी इमेजेस हैं, कितने समय में वैलिडेशन हुआ, कितने परसेंट में हुआ, कौन सा मॉडल मैंने यूज़ किया है, एक्यूरेसी कितनी है, रिकॉल क्या है, मतलब रिजल्ट भी इसमें आ गया है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। दैट इज रियली रियली गुड। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे अराउंड 400 वर्ड्स हैं उनको हम या तो आप खुद से पैराफ्रेज करते या पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करते, फिर भी ये इतनी जल्दी से 150 वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, बट चैट जीपीटी ने एक बार में ही कुछ ही सेकंड्स में से कन्वर्ट कर दिया 150 वर्ड्स में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कंटेंट आया है उसको हमें खुद से एक बार वेरीफाई करना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा कि क्या जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे एब्स्ट्रैक्ट की, कहीं वो डिलीट तो नहीं हो गई है, कहीं मीनिंग चेंज तो नहीं हो गई है। तो मीनिंग और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे उस कंटेंट में होना चाहिए, तभी हमें उसे अपने पेपर में पेस्ट करना है। नेक्स्ट टास्क क्या हो सकता है हमारे पेपर के लिए, कि जो हमारा पेपर है उसका एक बहुत अच्छा, बहुत सुटेबल टाइटल हमें मिल जाए। तो हम फिर से जाएंगे चैट जीपीटी। अभी अभी तो मैंने अपने पेपर का टाइटल लिया हुआ है CNN बेस्ड रैपिडली डिसीज डिटेक्शन यूजिंग प्री ट्रेन गूगल नेट मॉडल, बट हम देखते हैं कि चैट जीपीटी इसे कैसे परफॉर्म करता है। तो हम टाइप करेंगे सजेस्ट 5 टाइटल्स फॉर दिस पेपर। अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी इसमें पेस्ट किया हुआ है, तो देखिए इसने कितनी जल्दी से, कितने सेकेंड्स में हमें 5 टाइटल्स प्रोवाइड कर दिए। तो हम इसमें से सुटेबल टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड एपिल लीफ डिजीज डिटेक्शन यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग एंड CNN, ये भी अच्छा है। एनहांसिंग एपिल डिजीज डायग्नोसिस थ्रू गूगल नेट एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसमें से मुझे ये सेकेंड वाला टाइटल ज्यादा अच्छा लग रहा है, एनहांसिंग एपिल डिजीज डायग्नोसिस थ्रू गूगल नेट एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ये टाइटल मुझे अच्छा लग रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा क्रिएटिव टाइटल मुझे मिल जाए, तो मैं फिर से लिखूंगी मोर क्रिएटिव टाइटल्स। तो देखा आपने यहाँ पे और ज्यादा क्रिएटिव टाइटल आ गए हैं, जैसे कि एप्पल एलिमेंट्स एक्सपोज्ड, मुझे ये वाला टाइटल सेकेंड टाइटल ज्यादा अच्छा लग रहा है अपने इस पेपर के लिए, एप्पल एलिमेंट्स एक्सपोज्ड डीप लर्निंग एंड गूगल नेट एज नेचर्स डिटेक्टिव्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे मैंने इसमें जब मैंने डीप लर्निंग अप्लाई की उससे कुछ रिजल्ट निकला और रिजल्ट को मैंने यहाँ पर लिख रखा है इस पेपर में। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और सेक्शन लिखना है रिजल्ट डिस्कशन, तो मैं चाहती हूँ कि इस रिजल्ट को ये डिस्कस कर दे। मैंने यहाँ से रिजल्ट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्कस दिस रिजल्ट इन डेप्थ, मुझे ये डिटेल में चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हाँ यस, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो रिजल्ट में होना चाहिए, जैसे कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, ट्रेनिंग वैलिडेशन टेस्टिंग रेशियो क्या है 70-15-15,
वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या है, कौन कौन सी क्लासेस यूज हुई हैं, मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या कहती है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि डिस्कस तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसमें रिजल्ट पेस्ट किया और इसने कितनी जल्दी से रिजल्ट डिस्कशन सेक्शन को हमें प्रोवाइड कर दिया. रिजल्ट डिस्कशन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने क्या हार्डवेयर यूज किया है, क्या सॉफ्टवेयर यूज किया है, ट्रेनिंग टाइम कितना लगा है, कितने इटरेशन है, कितने एपक है, वैलिडेशन कितनी एक्यूरेसी है, कितनी क्लासेस यूज की हुई है इसमें, एक्यूरेसी क्या है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या क्या है, कितने परसेंटेज है, वो सब यहाँ पे मेंशन है. इसके बाद भी हमें इसको पढ़ना होगा और जब तक हम खुद से वेरीफाई नहीं कर सकते तब तक हम इस कंटेंट को अपने पेपर में नहीं पेस्ट करेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर भी ये काम बहुत आसान हो गया हमारे लिए. अब हम देखेंगे कि चैट जीपीटी रिसर्च के लिए क्या नहीं कर सकता, क्या काम करने के लिए वो कैपेबल नहीं है. सपोज हम टाइप करेंगे सजेस्ट पेपर्स फॉर रिलेटेड वर्क, जैसे ही हमने टाइप किया सजेस्ट पेपर्स फॉर रिलेटेड वर्क तो यहाँ पर 5 पेपर्स आ गए. अभी हम देखेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसे गूगल कर लेते हैं. एक तरफ गूगल स्कॉलर भी ओपन कर लेते हैं. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है गूगल स्कॉलर में. हम गूगल पे भी सर्च करके देख लेते हैं क्या ऐसा है. डीप लर्निंग बेस्ड एप्पल लीफ डिसीज डिटेक्शन, और ऑथर के क्या नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑथर के नाम है यानसुन एटल. तो ऐसा तो कुछ होना चाहिए. यानसुन यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी ऐसा पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है. हम दूसरा पेपर उठाते हैं, एप्पल डिसीज डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग एल्गोरिथम, और हम उठाते हैं यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं इसे और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं. तो ऐसा तो कोई टाइटल एकदम मैच करता हुआ नहीं है यहाँ पे. एप्पल डिसीज डिटेक्शन ऐसा कोई भी पेपर गूगल स्कॉलर में नहीं है. ऑथर भी देख लेते हैं, सतीश कुमार ऑथर. नहीं है, सतीश कुमार नाम के कोई ऑथर भी नहीं है. गूगल में भी देख लिया, ऐसा कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी कभी पेपर मैच कर भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पेपर मैच नहीं करते हैं. यानी कि ये जितने भी रिलेटेड पेपर प्रोवाइड करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक होते हैं. तो हमें
लिटरेचर सर्वे के लिए या रिलेटेड वर्क के लिए हमें इन पेपर को फॉलो नहीं करना है. अगर हम इन पेपर को रेफरेंस में अपने पेपर में मेंशन कर भी रहे हैं तो पहले इसको हमें वेरीफाई कर लेना होगा कि ये पेपर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं. अगर ये पेपर एग्जिस्ट करते हैं तभी हम उसे अपने पेपर में यूज करेंगे, अदरवाइज ये फेक हैं और इन फेक पेपर को हम अपने वर्क में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब हम चाहते हैं कि चैट जीपीटी हमें बताए कि एक पेपर की क्या क्या हेडलाइंस होती हैं. तो हम चैट जीपीटी में टाइप करेंगे जब मैंने ये लिखा सजेस्ट कॉमन आउटलाइंस ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ द हेडलाइन, तो चैट जीपीटी ने कॉमन हेडिंग्स हमें प्रोवाइड कर दी जो हर एक रिसर्च पेपर में लिखनी होती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन सबसे पहला, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मैथडोलॉजी. और यहाँ पर इसे भी डिटेल में लिखा हुआ है कि इन हेडिंग्स के अंदर हम लिखते क्या क्या हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बैकग्राउंड और मोटिवेशन हमारे पेपर के लिए क्या है वो लिखते हैं, हमारे पेपर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सेकेंड है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मैथड्स और टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं, उनके एडवांटेजेस और गैप्स को हम मेंशन करते हैं. फिर मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी में हम अपने मेथड को हम इसमें मेंशन करते हैं कि हम क्या कौन कौन से डेटा को यूज़ कर रहे हैं, क्या स्टेप्स हैं हमारे मेथड के लिए. तो नेक्स्ट हेडिंग होती है रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, उसे लिखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग मेथड्स से और अपने मेथड के जो रिजल्ट आया है उसको विजुअलाइज करते हैं. फिर हम रिजल्ट को डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में होता है कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप. ठीक है, तो ये सारी हेडिंग्स हमारे एक रिसर्च पेपर में होती ही हैं. जैसे कि ये मेरा पेपर है और मैंने इस पेपर में एप्पल लीफ इमेजेस का यूज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि चैट जीपीटी मुझे लीफ इमेज का डेटा सेट भी प्रोवाइड कर दे. किस लिंक पे जाकर मैं लीफ इमेज का डेटा सेट को डाउनलोड कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करूंगी प्रोवाइड द लिंक ऑफ द डेटा सेट ऑफ प्लांट इमेजेस. तो देखिए मैंने इस अपने वर्क में प्लांट विलेज डेटा सेट ही यूज किया है और इसने सबसे पहले प्लांट विलेज डेटा सेट की लिंक प्रोवाइड कर दी. ठीक है, तो ये सारे डेटा सेट क्या है, ये सारे डेटा सेट प्लांट इमेज का डेटा सेट है. बट फिर भी ये सारे लिंक गिवन तो हैं, बट फिर भी हमें इन्हें वेरीफाई करना होगा वन बाय वन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने फेक लिंक प्रोवाइड कर दी हो. प्लांट विलेज डेटा सेट एग्जिस्टिंग है क्योंकि मैंने खुद भी अपने वर्क में से यूज किया है, बट क्या ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है इस डेटा सेट को, हम देख लेते हैं एक बार. देखिए ये जो लिंक इसने प्रोवाइड की है वहां पर एरर आ रही है. पेज नॉट फाउंड, दूसरा देखते हैं. तो ये वाला तो जो ये लिंक तो मेरी करेक्ट निकली है, इसमें हमें डेटा सेट मिल रहा है. बाकी प्रीवियस दो लिंक्स हमें फेक मिली हैं और ये लिंक सही है. हम तीसरी वाली भी देख लेते हैं. फिर से हम सर्च करते हैं. ये कहता है अपोलोजाइज फॉर द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, हियर आर करेक्ट लिंक्स टू सम पॉपुलर प्लांट लीफ इमेज डेटा सेट. ये नाम तो इनके करेक्ट है बट लिंक कहीं ना कहीं कोई लिंक काम कर रही है कोई नहीं कर रही है. तो ये हमें पहले वेरीफाई कर लेना होगा अपने रिसर्च पेपर को स्टार्ट करने के लिए. हम चैट जीपीटी का यूज तभी कर पाएंगे जब हमें प्रीवियस थोड़ी बहुत नॉलेज होगी.
जब मैंने कहा सजेस्ट फाइव आइडियाज फॉर फॉलोइंग वर्क, तो इसने फ्यूचर वर्क के लिए फाइव आइडियाज हमें प्रोवाइड कर दिए कि हम रियल टाइम बेस्ड डिसीज डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग भी कर सकते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड मैनी मोर. अगर हम इसमें और भी आइडियाज मांगेंगे तो ये और आइडियाज प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि थोड़े और क्रिएटिव आइडियाज हमें ये दे, तो हम लिखेंगे सजेस्ट फाइव मोर क्रिएटिव आइडियाज फॉर दिस वर्क. देखा आपने, ये भी बता रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं. जैसे डेवलप एन एक्सप्लेनेबल एआई फ्रेमवर्क फॉर एप्पल लीफ डिसीज डिटेक्शन दैट नॉट ओनली प्रेडिक्ट द डिसीज बट ऑल्सो प्रोवाइड इंटरप्रिटेबल एक्सप्लेनेशन और विजुअलाइजेशन ऑफ द की फीचर्स और रीजन इन्फ्लुएंसिंग द डायग्नोसिस. डीप लर्निंग फॉर अर्ली डिसीज प्रिडिक्शन. तो इसमें क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स टू प्रिडिक्ट द onset of apple leaf diseases before visible symptoms appear. देखा ये कितने creative ideas हमें provide कर रहे हैं. Mobile application भी हम बना सकते हैं इसके लिए, और mobile application already बन भी चुके हैं, but देखते हैं कि ये क्या बता रहा है. Develop a user-friendly mobile application that enables farmer to easily capture and analyze images of apple leaves using their smart. The application could leverage machine learning models on device or in the cloud to provide real time disease identification and recommendations for disease management. Wow. Fifth wala kya hai, ye keh rahe hain hum robotics ko bhi apply kar sakte hain. आप ये सोच सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी कितनी हाई लेवल पे चल रही है, कि हमें इन सबको सोचने के लिए कितना टाइम लगता था. जब मैंने अपना थीसिस स्टार्ट किया था तो मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा टॉपिक लूँ, किस टॉपिक पे काम करूँ, किस फील्ड पे, किस डोमेन पे काम करूँ. बहुत ज्यादा टेंशन थी और कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी. अभी ये चैट जीपीटी हर तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए, बट इसको यूज करते टाइम हमें अपने इंटेलेक्चुअल को भी यूज करना पड़ेगा. चैट जीपीटी का यूज करके हम रिसर्च पेपर के लिए क्या क्या कर सकते हैं. कैन फाइंड गुड टाइटल्स, वी कैन शॉर्ट द एब्स्ट्रैक्ट, finding links for the data set and many more. हमने एक और चीज देखी कि चैट जीपीटी sometimes provide false information और false reference papers. तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी से स्मार्टली एंड स्पीडी वर्क तो लेना है, बट हर टास्क को हमें खुद से भी वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमने देखा कि इसने कैसे फेक पेपर सजेस्ट किए थे. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.